हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैंने आपको ये डिजिटल मल्टीमीटर को चलाना सिखाऊंगा। अगर आप ये वीडियो को लास्ट तक कंप्लीट देख लेते हैं तो आपको ये डिजिटल मल्टीमीटर चलाना बहुत ही आसान हो जाएगा और इसके माध्यम से आप बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक्स के कंपोनेंट चेक कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं, ये डिजिटल मल्टीमीटर आपको इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान पर मिलेगा 150 से 200 रुपये के अंदर। आप चाहो तो इसको ऑनलाइन भी खरीद सकते हो, जैसे कि अमेजन, फ्लिपकार्ट। तो अगर आप इसको ऑनलाइन खरीदना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाकर वहां से इसको खरीद सकते हैं। तो यहां पर देख लीजिए, हमारा 3 सेक्शन दिया गया है और यहां पर ये मल्टीमीटर के साथ हमें 2 प्रोब मिलता है, एक ब्लैक कलर की और एक रेड कलर की। तो ये जो ब्लैक कलर की प्रोब है ये हमारा नेगेटिव माना जाता है, तो हम इसको कॉमन पर लगाएंगे, यानी कि नीचे की साइड में। तो मैंने इसको यहाँ पर लगा लेता हूँ। और उसके बाद ये जो हमारा रेड कलर की प्रोब है ये हमारा पॉजिटिव माना जाता है, तो इसको हम कभी कभी बीच में लगाते हैं और कभी कभी ऊपर में लगाते हैं। तो जब हम यहाँ पर 10 एम्पियर चेक करते हैं तभी हम इसको ऊपर में लगाएंगे, नहीं तो बाकी के सभी टाइम में हम इसको बीच में लगाएंगे। तो चलिए मैंने यहाँ पर इसको बीच में लगा देता हूँ। तो देख लीजिए, हमारा दोनों प्रोब लग चुका है और अभी मैंने प्रोब को नीचे में रख देता हूँ। तो चलिए अभी हम ये मल्टीमीटर के सारे फंक्शन के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर भी लिखकर कुछ इस प्रकार की साइन दिया गया है, ये साइन हमारा डीसी वोल्टेज की है, तो हम यहाँ पर डीसी वोल्टेज को चेक कर सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर 1 मिली वोल्ट से लेकर 1000 वोल्ट तक की डीसी वोल्टेज चेक कर सकते हो। तो यहाँ पर मान लीजिए आपके पास एक 3 वोल्ट की बैटरी है, अगर आप उसको यहाँ पर चेक करना चाहते हैं तो उससे ज़्यादा वोल्ट पर सेट करेंगे। जैसे कि यहाँ पर 20 वोल्ट है 3 वोल्ट से ज़्यादा, तो हम यहाँ पर सेट करेंगे। तो मैंने यहाँ पर आपको एक 3.7 वोल्ट बैटरी चेक करके दिखाता हूँ। तो देख लीजिए, यह हमारा 3.7 वोल्ट बैटरी है, लिथियम आयन बैटरी। तो इसको हम यहाँ पर चेक करेंगे। तो अभी मैंने यहाँ पर इसका नेगेटिव पर मल्टीमीटर के नेगेटिव को लगा देता हूँ और बैटरी का पॉजिटिव पर मल्टीमीटर की पॉजिटिव को लगा रहा हूँ। तो देख लीजिए, यहाँ पर हमारा 3.54 वोल्टेज दिखा रहा है, क्योंकि हमारा बैटरी फुल चार्ज नहीं है। अगर ये फुल चार्ज हो जाएगा तो यहाँ पर 3.7 वोल्ट दिखाएगा। तो इस प्रकार से आप बैटरी चेक कर सकते हो। और अभी मेरे पास एक 9 वोल्ट की बैटरी है, ये देख लीजिए, 9 वोल्ट की बैटरी होता है ये हमारा। तो इसको भी हम यहाँ पर चेक कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमारा मल्टीमीटर 20 वोल्ट में सेट हुआ है, तो 9 वोल्ट 20 वोल्ट से बहुत ही कम है, तो इसको हम यहाँ पर चेक कर सकते हैं। तो देख लीजिए, यहाँ पर हमारा 9 वोल्ट दिखा रहा है, यानी कि ये बैटरी हमारा सही है। तो इसी प्रकार से आप यहाँ पर डीसी वोल्टेज को चेक कर सकते हो, जैसे कि बैटरी, चार्जर वगैरह सब कुछ डीसी वोल्टेज को यहाँ पर चेक कर सकते हो। तो दोस्तों, डीसी वोल्टेज चेक करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हो 200 से 2000 के लिखा गया है और यहाँ पर ओम की साइन है, यानी कि ये वाला सेक्शन हमारा रजिस्टर को चेक करने के लिए है। यहाँ पर हम रजिस्टर को चेक कर सकते हैं, जैसे कि देख लीजिए, ये मेरे पास एक 1 किलो ओम की रजिस्टर है, तो इसको मैंने यहाँ पर चेक करके दिखाऊँगा। तो इसको चेक करने के लिए हमें यहाँ पर इसको 2000 में सिलेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने आपको पहले से बताया हूँ, जो भी चीज़ आपको चेक करना है उसका वैल्यू से ज़्यादा वैल्यू यहाँ पर सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो देख लीजिए, मैंने यहाँ पर मल्टीमीटर को 2000 ओम पर सेट कर लिया हूँ और अभी मैंने यहाँ पर ये रजिस्टर की वैल्यू चेक करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पर आप मल्टीमीटर की प्रोब को रजिस्टर की दोनों लेग पर लगा सकते हो, कोई भी लेग लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर कोई भी पॉजिटिव नेगेटिव नहीं होता है, यहाँ पर आप जहाँ पर चाहो वहाँ पर लगा सकते हो। तो देख लीजिए, यहाँ पर 990 लिखा रहा है, यानी कि ये हमारा 1 किलो ओम की आसपास दिखा रहा है। यहाँ पर 1000 लिखना चाहिए था, लेकिन 990 लिख रहा है, कोई बात नहीं है, ये चलेगा। तो इसके बाद मैंने यहाँ पर एक 10K की रजिस्टर ले रहा हूँ, तो इसको चेक करने के लिए हमें मल्टीमीटर को 20K पर सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो देख लीजिए, मैंने मल्टीमीटर को 20K पर सिलेक्ट कर लिया हूँ। तो अभी मैंने यहाँ पर मल्टीमीटर की दोनों प्रोब को लगा रहा हूँ, तो देख लीजिए, यहाँ पर हमारा 9.87 समथिंग दिखा रहा है, यानी कि ये हमारा 10K के आसपास है। तो इसी प्रकार से आप यहाँ पर कोई भी रजिस्टर चेक कर सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं आएगा। जो भी रजिस्टर चेक करोगे उसका वैल्यू से ज़्यादा वैल्यू आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो इसी प्रकार से ये हमारा रजिस्टर के सेक्शन हो गया। उसके बाद देखिए, ये हमारा एक बहुत ही ज़्यादा चेक करने वाला सेक्शन है। यहाँ पर हम कंटिन्यूटी, डायोड, कैपेसिटर, बहुत सारे चीज़ें इसे चेक कर सकते हैं। तो चलिए, मैंने यहाँ पर इसको इस रेंज पर लगा देता हूँ। इसको हम डायोड रेंज बोलते हैं, कंटिन्यूटी रेंज बोलते हैं, वीप मोड भी बोलते हैं। तो यहाँ पर जो खास बात है कि हम जब हमारा मल्टीमीटर के दोनों प्रोब को लगाते हैं तो यहाँ पर एक वीप का साउंड आ रहा है, तो आप लोग यहाँ पर सुन सकते हो।
तो मैंने यहाँ पर माइक को लगा देता हूँ। तो दोस्तों सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक वायर को ले रहा हूँ और ये वायर की कंटिन्यूटी चेक करेंगे, यानी कि ये वायर हमारा सही है या फिर ख़राब है। अगर आपको यहाँ पर कोई भी साउंड सुनाई देता है तो ये वायर हमारा सही है, अगर कोई भी साउंड नहीं सुनाई देता है तो इसका मतलब है कि ये वायर की बीच में कहीं कट लगा हुआ है, यानी कि ये वायर हमारा बीच से कटा हुआ है। तो इसी प्रकार से आप वायर को चेक कर सकते हो। ये एलईडी आप यहाँ पर चेक कर सकते हो जो हमारा लाइट होता है, तो यहाँ पर एलईडी का जो नेगेटिव होता है वहाँ पर आप नेगेटिव की प्रोब लगाएंगे, जहाँ पर पॉजिटिव होता है वहाँ पर पॉजिटिव की प्रोब लगाएंगे। तो देख लीजिए ये एलईडी हमारा हल्का सा ग्लो कर रहा है, ये ज़्यादा तेज़ से ग्लो नहीं करेगा क्योंकि यहाँ पर वोल्टेज बहुत ही कम आ रहा है। तो देख लीजिए इसी प्रकार से आप यहाँ पर एलईडी को चेक कर सकते हो। और जैसे मैंने आपको बताया था कि आप यहाँ पर डायोड को भी चेक कर सकते हो, तो यहाँ पर मेरे पास एक 1N4007 की डायोड है, देख लीजिए ये हमारा डायोड है। और ये जो डायोड की ब्लैक वाली हिस्सा है ये हमारा पॉजिटिव होता है, तो यहाँ पर ब्लैक वाली हिस्सा पर हम पॉजिटिव को लगाएंगे और डायोड की सिल्वर वाली हिस्सा हमारा नेगेटिव होता है, तो यहाँ पर हम नेगेटिव प्रोब लगाएंगे। तो देख लीजिए आपको यहाँ पर कोई भी वैल्यू आएगा तो आपका डायोड सही होगा, अगर यहाँ पर वैल्यू नहीं आता है तो आपका डायोड ख़राब है। तो इसको हम पलट कर देखेंगे तो यहाँ पर कुछ भी नहीं आना चाहिए और भीप भी नहीं आना चाहिए। अगर भीप आता है डायोड की चेक करने के समय तो यहाँ पर आपका डायोड ख़राब है, कहीं पर भी आपको भीप की आवाज़ नहीं आना चाहिए। और सिर्फ पॉजिटिव को पॉजिटिव पर लगाने से और नेगेटिव को नेगेटिव पर लगाने से हमारा यहाँ पर वैल्यू शो होना चाहिए। अगर इसी प्रकार से आपका डायोड में कंडीशन दिखा रहा है तो आपका डायोड सही है। तो इसी प्रकार से आप डायोड को चेक कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पर और एक डायोड को चेक करके दिखाता हूँ, देख लीजिए ये हमारा बड़ा सा डायोड है 6AU का। तो इसका जो पॉजिटिव साइड है यहाँ पर मैंने पॉजिटिव प्रोब को लगा रहा हूँ और इसका नेगेटिव साइड पर मैंने नेगेटिव प्रोब को लगा रहा हूँ। तो देख लीजिए यहाँ पर हमारा वैल्यू आ रहा है, यानी कि डायोड यहाँ पर काफ़ी हद तक सही है। इसको हम पलट कर चेक करेंगे तो यहाँ पर कुछ भी वैल्यू और भीप नहीं आना चाहिए, तो भीप नहीं आ रहा है और वैल्यू नहीं आ रहा है, यानी कि ये डायोड हमारा बिल्कुल सही है। तो इसी प्रकार से आप अपना डायोड को चेक कर सकते हो। तो ये तो डायोड की चेकिंग हो गया, और इसके बाद आप यहाँ पर कैपेसिटर को चेक कर सकते हो। जैसे कि मेरे पास ये 16 वोल्ट 1000 माइक्रोफेराडे का कैपेसिटर है, तो इसको चेक करने के लिए इसका जो नेगेटिव साइड है यहाँ पर आप नेगेटिव प्रोब को लगाओगे और इसका जो पॉजिटिव साइड है तो यहाँ पर जब पॉजिटिव प्रोब को लगाओगे तो यहाँ पर एक वैल्यू आ गया और वो चला जाएगा। तो देख लीजिए वो चला गया, वैल्यू आया और चला गया, ये कुछ समय के लिए होगा, तो और उसके बाद यहाँ पर वैल्यू नहीं आएगा। तो आपको यहाँ पर इसको इस प्रकार से डिस्चार्ज करना पड़ेगा, और डिस्चार्ज करने के बाद फिर से यहाँ पर अगर मल्टीमीटर की प्रोब लगाते हो तो यहाँ पर वैल्यू आएगा, देख लीजिए वैल्यू आ रहा है और चला जाता है। तो ये कैपेसिटर सही है। तो इसी प्रकार से आप ये कैपेसिटर को चेक कर सकते हो। और इसके बाद आप यहाँ पर इस प्रकार की PF चेक कर सकते हो, ये भी हमारा एक प्रकार की कैपेसिटर होता है। ये कैपेसिटर में हमारा कोई भी पॉजिटिव नेगेटिव नहीं होता है, यानी कि ये हमारा नॉन पोलर कैपेसिटर है। तो यहाँ पर इसका दोनों जो पॉइंट है वहाँ पर आप दो प्रोब को लगाओगे तो कोई भी वैल्यू या फिर कोई भी भीप नहीं आना चाहिए। अगर भीप या फिर वैल्यू आ रहा है तो ये PF ख़राब है। तो इसी प्रकार से इसको पलट कर चेक करेंगे तो देख लीजिए यहाँ पर भी कोई भी वैल्यू भीप नहीं आ रहा है, यानी कि ये हमारा जो PF है ये हमारा बिल्कुल सही है। तो इसी प्रकार से आप ये PF या फिर कैपेसिटर को चेक कर सकते हो। तो दोस्तों डिजिटल मल्टीमीटर की ये वाली सेक्शन पर जितने भी सारा हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स की बेसिक कंपोनेंट चेक किया जाता है वो सारे मैंने आपको चेक करके दिखा लिया। उसके बाद हमारा आता है स्क्वायर वेव यानी कि फ्रीक्वेंसी का सेक्शन। ये सेक्शन हमारा एम्पलीफायर की रिपेयरिंग के टाइम में काम में आता है। जब हम एम्पलीफायर को रिपेयरिंग करते हैं तो वहाँ पर हमारा कितना फ्रीक्वेंसी दे रहा है उसको चेक करने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं, नहीं तो ज़्यादातर टाइम में इसका इस्तेमाल नहीं किया जाता है, तो इसीलिए हम इसको छोड़ देते हैं। उसके बाद हम आते हैं HFE में। तो यहाँ पर हम ट्रांजिस्टर को चेक करते हैं, जैसे कि देख लीजिए हम मल्टीमीटर को HFE में लगाएंगे। उसके बाद हमारा प्रोब की कोई ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर हम प्रोब का इस्तेमाल नहीं करेंगे। और यहाँ पर देख लीजिए मल्टीमीटर को यहाँ पर सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर ये जो हमारा एक सेक्शन दिया गया है यहाँ पर एक NPN लिखा गया है और एक PNP, यानी कि हमारा दो प्रकार के ट्रांजिस्टर आता है। एक होता है NPN यानी कि नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, और एक आता है PNP यानी कि पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव।
तो दोनों प्रकार के आता है, तो दोनों प्रकार के ट्रांजिस्टर को हम यहाँ पर दो सेक्शन में डाल के उसको चेक कर सकते हैं। और ये जो ई सी बी लिखा गया है, ये ई की मतलब होता है एमिटर, सी का मतलब कलेक्टर, बी का मतलब बेस, फिर ई का मतलब एमिटर, और इसी प्रकार से ये भी हमारा एमिटर, कलेक्टर, बेस, एमिटर। तो इसी प्रकार से ये हमारा सेक्शन दिया गया है, यहाँ पर हम ट्रांजिस्टर को चेक कर सकते हैं। तो अभी मैंने एक ट्रांजिस्टर को चेक करके दिखा रहा हूँ। तो दोस्तों अभी मैंने यहाँ पर एक BC547 NPN ट्रांजिस्टर ले रहा हूँ। मुझे पता है कि ये ट्रांजिस्टर हमारा NPN है और इसका पिन आउट भी मुझे पता है। लेकिन अगर आपके पास कोई भी ट्रांजिस्टर हो और उसका पिन आउट और वो NPN है या फिर PNP है, अगर आपको पता नहीं है तो आप यहाँ पर इसकी दौरान पता कर सकते हो। तो चलिए मैंने यहाँ पर इसको मल्टीमीटर में लगा रहा हूँ। तो ये हमारा NPN है, तो मैंने इसको NPN की सेक्शन में लगा रहा हूँ। तो देख लीजिए मैंने इसको डाल दिया हूँ NPN की सेक्शन में। तो यहाँ पर हमारा डिस्प्ले में वैल्यू आना चाहिए। तो देख लीजिए अभी हमारा डिस्प्ले में वैल्यू आ गया 301, यानी कि ये वाला सेक्शन हमारा सही है इस ट्रांजिस्टर के लिए। और यहाँ से हम इसका पिन आउट देख सकते हैं। तो देख लीजिए हमारा ये वाला लेग कलेक्टर है और ये बीच वाला बेस है और ये साइड वाला एमिटर है। तो इसी प्रकार से आप अपना ट्रांजिस्टर की पिन आउट कर सकते हो। और ये हमारा NPN के सेक्शन में है, यानी कि ये ट्रांजिस्टर हमारा NPN है। तो अगर आपके ट्रांजिस्टर को यहाँ पर डालने के बाद वैल्यू नहीं आ रहा है तो इसको पलट करके डालिए, उसके बाद ये साइड डालिए और ये साइड डालिए, यहाँ पर डाल दीजिए, जहाँ पर वैल्यू आ रहा है वो आपके ट्रांजिस्टर की सही सेक्शन होगा। तो इसी प्रकार से आप यहाँ पर ट्रांजिस्टर को चेक कर सकते हो। तो दोस्तों ये HFE के बाद हमारा आता है एम्पियर की सेक्शन। यहाँ पर हम DC वोल्टेज की एम्पियर को चेक कर सकते हैं। यहाँ पर अगर आप AC वोल्टेज की एम्पियर को चेक करोगे तो ये मल्टीमीटर आपका ख़राब हो जाएगा। तो ये एम्पियर को मैंने इस वीडियो की लास्ट में चेक करके दिखाऊंगा। यहाँ पर आप आ जाइए AC वोल्टेज को चेक करने की सेक्शन पर। तो यहाँ पर हम AC वोल्टेज को चेक करेंगे। हम यहाँ पर 0 वोल्ट से लेकर 750 वोल्ट तक AC वोल्टेज को चेक कर सकते हैं। तो आपको पता होगा हमारा घर में जो AC वोल्टेज आता है वो हमारा 220 वोल्ट आता है। तो उसको चेक करने के लिए हम यहाँ पर 750 वोल्ट में मल्टीमीटर को सिलेक्ट करेंगे। तो मैंने यहाँ पर सिलेक्टर को 750 वोल्ट में लगा देता हूँ, आप लोग देख लीजिए। तो इसको लगाने के बाद हम यहाँ पर मल्टीमीटर से हमारा घर की वोल्टेज को चेक करके दिखाएंगे। तो देख लीजिए ये हमारा बोर्ड है। तो अभी मैंने बोर्ड का स्विच ऑन कर लेता हूँ और यहाँ पर मैंने मल्टीमीटर की दोनों प्रोब को लगा रहा हूँ। तो देख लीजिए यहाँ पर हमारा 230 के आसपास आ रहा है। तो इस प्रकार से आप अपना घर की AC वोल्टेज को चेक कर सकते हो। तो यहाँ पर हमारा AC वोल्टेज चेकिंग हो गया। तो चलिए अब हम आते हैं एम्पियर की बात पर। तो देख लीजिए यहाँ पर आप बहुत सारे तरीके से एम्पियर चेक कर सकते हो। जैसे कि अगर आप 200 मिली एम्पियर तक चेक करते हैं तो ये जो हमारा रेड प्रोप है यहीं पर रहने दीजिए। अगर आप 10 एम्पियर को चेक करते हैं तो ये रेड प्रोप को यहाँ पर लगाइए। तो 200 मिली एम्पियर की बैटरी मेरे पास नहीं है, मेरे पास जो भी बैटरी है वो सब हमारा 1 एम्पियर से ज़्यादा है। तो मैंने यहाँ पर 10 एम्पियर में सिलेक्ट करता हूँ। तो इसीलिए मैंने यहाँ पर ये रेड प्रोप को ऊपर में लगाता हूँ। तो देख लीजिए मैंने इसको ऊपर में लगा रहा हूँ। तो दोस्तों चलिए अब हम ये मल्टीमीटर के दौरान हम बैटरी का एम्पियर चेक करके देख लेते हैं। तो यहाँ पर मेरे पास ये 3.7 वोल्ट की बैटरी है, ये हमारा लिथियम आयन बैटरी है और इसका वोल्टेज मैंने वीडियो की पहले में चेक करके दिखाया था। तो अभी मैंने एम्पियर चेक करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर मल्टीमीटर की जो रेड प्रोप है उसको हम बैटरी की पॉजिटिव में लगाएंगे और मल्टीमीटर की जो ब्लैक प्रोप है उसको हम यहाँ पर बैटरी की नेगेटिव में लगाएंगे। तो यहाँ पर आपको ज़्यादा देर तक इसको लगा के नहीं रखना है, नहीं तो ये बहुत ही गर्म होता है क्योंकि ये हमारा शॉर्ट होता है। ये दोनों पॉइंट हमारा आपस में शॉर्ट होते हैं जब हम 10 एम्पियर चेक करते हैं। तो देख लीजिए मैंने यहाँ पर लगाता हूँ। तो यहाँ पर हमारा बैटरी का एम्पियर 2 एम्पियर है लेकिन मल्टीमीटर में 5 एम्पियर दिखा रहा है, क्योंकि ये जो मल्टीमीटर की क्वालिटी है और इसका जो एक्यूरेसी है वो बहुत ही गड़बड़ होता है। यहाँ पर आप इस मल्टीमीटर के दौरान एम्पियर अच्छी तरीके से चेक नहीं कर पाओगे, आपको यहाँ पर ज़्यादा एम्पियर दिखाएगा, ये एम्पियर सही तरीके से चेक करके नहीं दिखाता है। आप अगर सही तरीके से एम्पियर चेक करना चाहते हैं तो आप अच्छा क्वालिटी का मल्टीमीटर खरीद दीजिए, जो कि हमारा 500-600 में आता है। वो मल्टीमीटर हमारा जो एम्पियर दिखाता है वो सही दिखाता है। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर मल्टीमीटर को घर पर आसानी से सीख सकते हो। अगर आप डेली यूज़ में लेते हो और आपको मल्टीमीटर के बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं है और आप छोटे बड़े काम कर रहे हो तो ये मल्टीमीटर आपके लिए बेस्ट है। तो इसी प्रकार के मल्टीमीटर खरीद लीजिए, आपको 200 रुपये के अंदर मिल जाएगा, आप इससे काम चला सकते हो। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लेना ताकि वो लोग भी मल्टीमीटर को चलाना सीख पाएंगे।
तो अगर आप हमारा चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको इसी प्रकार की और भी नॉलेजेबल वीडियो मिलते रहेगी। तो चलिए आज के लिए मैं रहता हूँ, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।